हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ियाउल हसन और आज हमारे पास है बहुत सारा ड्रोन्स। इन ड्रोन्स को आसमान की ऊंचाई को छूने में बैटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बैटरी ही हमारे ड्रोन को पावर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बैटरीज के लाइफ, पावर और बैकअप को बरकरार रखने के लिए हमें एक अच्छा चार्जर यूज करना चाहिए। और आज हमारे पास है लाइपो बैटरी चार्जर M8D। ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले मेरे पास आया हुआ है और ये इंडिया में सिर्फ मेरे पास है। इस प्रोडक्ट के लिए टूल किट RC को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। इसमें डुअल चैनल है, मतलब एक ही समय में हम दो बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन के साथ आता है, इसीलिए इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इस रंगीन दुनिया को देखने में कितना आनंद आता है, इसी आनंद को और बढ़ाता है ये कलरफुल स्क्रीन। लाइपो ही नहीं, हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस को भी इसमें चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है USB Type-C 65W क्विक चार्ज। ये चार्जर इस बॉक्स के अंदर आता है। इससे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये चार्जर इस सेफ पैकेजिंग के अंदर आता है एंड ये है इस चार्जर का यूजर मैनुअल। इसी बॉक्स में ये है USB 2 Type-C केबल। ये है XT90 फीमेल कनेक्टर केबल जो हमारे चार्जर के इनपुट में कनेक्ट होता है। एंड लास्ट है हमारा चार्जर टूल किट RC का M8D। चार्जर साइज में बहुत ही छोटा और लाइट वेट है, लेकिन पावर बहुत ही दमदार, क्योंकि ये है 800 वाट 30 एम्पियर डुअल चैनल चार्जर। चार्जर में हमें 80 डिग्री फोल्डेबल स्क्रीन मिलता है। टूल किट RC का पहला ये चार्जर है जिसमें हमें कलरफुल टच स्क्रीन मिलता है। इस चार्जर से हम दो बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकते हैं और उसे चार्ज करने के लिए फ्रंट में यहाँ पे दो XT60 कनेक्टर दिया गया है और दो बैलेंस जैक के लिए पिन दिया गया है। इसी में हमारा दो बैटरी कनेक्ट होता है। ये चार्जर 1-8 सेल तक के बैटरी को सपोर्ट करता है और हम इसमें 800 वाट पे 230 एम्पीयर तक के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए हम बड़े ही आसानी से इस चार्जर से छोटे से छोटे बैटरी और बड़े से बड़े बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जर में आप लोगों ने देखा होगा कि चार्जिंग के टाइम पे कभी कभी चार्जर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कहीं हमारा चार्जर ब्लास्ट ना हो जाए, और कुछ चार्जर में चार्जर वार्निंग दे देता है ओवरहीट का। लेकिन इस वाले चार्जर में हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ फ्रंट में वेंटिलेटर दिया गया है और यहाँ से एयर अंदर जाता है, और पीछे की तरफ दो गैस फैन दिया गया है, कूलिंग फैन, जो कि इस चार्जर को ठंडा रखता है और बिना थके ये चार्जर हमारे बैटरी को सेफली चार्ज करता रहता है। ये चार्जर AC इनपुट सपोर्ट नहीं करता है। इस चार्जर में हमें DC इनपुट कनेक्ट करना होता है और कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे XT90 कनेक्टर दिया गया है, जिसमें हम 10 वोल्ट से लेकर के 49 वोल्ट तक के DC पावर को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस चार्जर के साथ में एक XT90 कनेक्टर भी मिलता है, जिसे हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लग करते हैं और इस वाले को हमें कनेक्ट करना पड़ता है। किसी भी अडेप्टर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर बैटरी के साथ कनेक्ट करके इस चार्जर को पावर दे सकते हो। ये चार्जर डुअल लाइपो बैटरी तो चार्ज करता ही है, उसी के साथ में इस चार्जर में हमें 65 वाट का Type-C कनेक्टर मिल जाता है, जो कि आउटपुट है, और इसमें हम डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। और स्मार्टफोन के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेज है जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। टच के अलावा भी हमें यहाँ पे एग्जिट और फंक्शन का बटन और डायल मिलता है, और इन दोनों से भी हम अपने इस चार्जर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी मेरे तरह बहुत सारा ड्रोन है और आपको भी जरूरत पड़ता है अलग अलग बैटरी को चार्ज करना, तो अदर चार्जर में हर बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार उसका वोल्टेज, नंबर ऑफ सेल, एम्पीयर आपको सेट करना पड़ता है, तब जाकर के चार्ज करते हो। लेकिन इस वाले चार्जर में वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वाले चार्जर में हम डायरेक्टली अपने हर एक इंडिविजुअल बैटरी के लिए प्री प्रोग्राम बना करके रख सकते हैं और सिर्फ दो क्लिक में आप अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हो। सिंपली बैटरी को कनेक्ट करो और दो क्लिक पे ही आपका बैटरी चार्ज होने लगेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। सिंपली आपको स्टैंड बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने प्री प्रोग्राम एक बैटरी का बना के रखा है इस बैटरी के लिए। यहाँ पे हमें 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करके ओके करना है और हमारा बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम अगर आपके पास कोई और बैटरी है जिसका आप प्रोग्राम सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू बैटरी ऐड कर सकते हो, जितना आपके पास बैटरी है उतना अलग अलग बैटरीज को आप ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बैटरी टाइप सेलेक्ट करना होगा। मैंने लाइपो सेलेक्ट किया है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और स्टोरेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चार्जिंग सेलेक्ट किया है। यहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिकली आ जाता है और सेल यहाँ से आप सेट कर सकते हो या फिर इसे ऑटो में भी रख सकते हो। जितना आपका यहाँ पे करंट है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। कितना एमएच का आपका बैटरी है उस हिसाब से, यहाँ पे मेरा 2.2 है और सिंपली यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है, यहाँ पे हम बैक कर सकते हैं। और जब भी आपको बैटरी को चार्ज करना हो, सिंपली आपको यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, सेम आप कनेक्ट कर सकते हो। और सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना, ओके कर देना और बैटरी आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा आपने इस चार्जर से बैटरी को चार्ज करना कितना आसान है।
इस चार्जर से आप सिर्फ बैटरी को चार्ज ही नहीं बल्कि चार्ज डिस्चार्ज और बैटरी को स्टोर करके भी रख सकते हो। इस चार्जर में दो चीजें और होनी चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे जो इनपुट दिया गया है, इनपुट में XC90 कनेक्टर है, यहाँ पे अलग से एक AC to DC कनेक्टर देना चाहिए ताकि हम लोग इजिली AC to DC अडेप्टर को कनेक्ट कर सके। और दूसरा कमी है कि यहाँ पे जो XT60 कनेक्टर दिया गया है, यहाँ पे एक XT90 भी होना चाहिए क्योंकि ये एक पावरफुल चार्जर है और पावरफुल चार्जर बड़े बड़े बैटरीज को भी चार्ज करता है, तो बड़े बैटरी में XT90 होता है जबकि यहाँ पे XT60 है, तो अलग से हमें XT60 to 90 केबल बनाना पड़ सकता है उसे चार्ज करने के लिए। सो अगर यहाँ पे 90 का सपोर्ट होता है तो हम लोग बड़े बैटरी को इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चार्जर को बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप भी मेरे तरह एक ड्रोन लवर हो और आप भी अपना खुद का ड्रोन बनाना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट hitechxyz.in से ड्रोन पार्ट्स और सर्विस ले सकते हो। सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कॉल कर सकते हो 9142884517 पर। जल्द ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।